चलिए अब एक नजर उत्तर प्रदेश की विशेष खबरों पर। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 7 चरणों में प्रदेश में चुनाव होंगे और आचार संहिता के पालन को लेकर भी नगर निगम आगरा सक्रिय हो गया है। शहर भर से होर्डिंग बैनर पोस्टर स्टैंडी रूफटॉप बैनर सभी को हटाना शुरू कर दिया गया है। देखिए तस्वीरें कैसे प्रशासन इन सभी बैनर पोस्टर्स को हटा रहा है। तो ये देखिए बड़े बड़े जो बैनर लगे हुए हैं, जो राजनीतिक पार्टी के प्रचार के लिए बैनर्स को लगाया गया, उन सभी बैनर को हटाने का काम आगरा में किया गया प्रशासन की ओर से। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कड़े नियम लागू हो जाते हैं और इसी कड़ी में जो बैनर पोस्टर राजनीतिक दलों का प्रचार कर रहे हैं, सड़कों पर पोल्स पर लगे हुए हैं, उन सभी को हटाया गया है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 7 चरणों में प्रदेश में चुनाव होंगे तो आचार संहिता के पालन को लेकर भी नगर निगम आगरा सक्रिय हो गया है और शहर भर से होर्डिंग बैनर पोस्टर स्टैंडिंग रूफटॉप बैनर सभी को हटाना शुरू किया गया। आगरा नगर निगम 4 जोन में बंटा हुआ है। चारों जोन के प्रभारी राजनीतिक दलों के होर्डिंग बैनर पोस्टर हटाने में जुट गए हैं ताकि आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर आचार संहिता आज से लागू हो गई है तो नगर निगम आगरा भी सक्रिय हो गया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लगातार होर्डिंग बैनर पोस्टर जितने भी हैं वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। हमारे साथ बात करने के लिए जो विज्ञापन प्रभारी हैं उनसे बात करेंगे। सुनी जी हैं कि किस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही है शहर में और कहाँ कहाँ ये कार्रवाई पूरी चल रही है, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं? शहर में 4 जोन है, चारों जोन के जोनल अधिकारी इसके नोडल हैं। सभी लोग अपने अपने यहाँ टीम बनाकर सभी लोग अपने यहाँ विज्ञापन हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। राजनीतिक जितने भी विज्ञापन कितने देख रहे हैं, कितने छोटे बैनर्स हैं, बड़े बैनर्स हैं, क्या क्या देख रहे हैं आप पूरी तरीके से? अब एग्जैक्ट गिनती तो देखिए कठिन है लेकिन हजारों की संख्या में है। छोटे बैनर झंडियां हैं, बड़े बैनर हैं, कुछ बड़े बड़े रूफ टॉप भी हैं, तो इस तरीके से हजारों संख्या में है। सारे हट जाएंगे 48 घंटे में जैसा कि आचार संहिता के मानदंड है। तो कह रहे हैं 48 घंटे में सारे होर्डिंग बैनर पोस्टर जितने होंगे राजनीतिक दलों के वो सभी हट जाएंगे ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके और आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम का अमला राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स बैनर और पोस्टर हटा रहा है। मुख्यालय जोन यानी कि शहर शास्त्रनगर जोन और कंकरखेड़ा जोन में अलग अलग टीम होर्डिंग्स हटा रही है। कमिश्नरी चौराहे के पास आसपास नगर निगम की जेसीबी ने तमाम राजनीतिक दलों के होर्डिंग बैनर और पोस्टर हटाए। 24 घंटे के इस अभियान में सभी होर्डिंग्स बैनर और पोस्टर हटाए जाएंगे। बाकायदा नगर निगम की टीम इसकी वीडियोग्राफी कर रही है जिसका पूरा रिकॉर्ड जिला निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने जायजा लिया। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के जो बैनर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं उसको लेकर नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है और सभी बैनर पोस्टर और जो होर्डिंग्स हैं उनको हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। मेरठ नगर निगम में 3 जोन पड़ते हैं, मुख्यालय जोन, कंकरखेड़ा और शास्त्री नगर जोन, और तीनों जोन में इसी तरीके से जो 3 टीमें हैं वो मैदान में उतार दी गई हैं जो सभी राजनीतिक दलों के बैनर होर्डिंग और पोस्टर हटाने का काम कर रही हैं। ये अभियान 24 घंटे तक किसी तरीके से चलेगा और शहर में किसी भी राजनीतिक दल का जो बैनर पोस्टर होर्डिंग है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एक एक करके यहाँ सबको हटाया जा रहा है। जहाँ जो प्रभारी है नगर निगम की टीम के उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा भाई सर। अरुण कुमार ककरोदिया। अरुण जी एक चीज बताइए, किस तरीके का अभियान है और कब तक चलेगा? आचार संहिता लागू होते ही नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन में हमने राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर सब हटाने का प्रोग्राम चालू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर सब बैनर पोस्टर हटा दिए जाएंगे। इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करवाई जा रही है जो हमने उनको सौंपनी है। अच्छा, पूरे शहर में चल रहा है ये? पूरे शहर में चल रहा है, तीनों जोनों में। अच्छा, तीनों जोनों में चल रहा है तो सब हटाने हैं? सब हटाने 24 घंटे के अंदर अंदर हमें। देखिए 24 घंटे के भीतर सारे राजनीतिक दलों के बैनर होर्डिंग पोस्टर्स हटाने हैं और इसको लेकर बाकायदा पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी
तीन टीमें अलग अलग बना के तीन अलग अलग जोन में भेज दी गई थी और अब ये टीमें इसी तरीके से यहां बैनर पोस्टर होर्डिंग्स हटाने का काम कर रही हैं, वीडियोग्राफी कराई जा रही है और किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी बैनर होर्डिंग पोस्टर अब इस तरीके से आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सरोज शर्मा, इंडिया न्यूज मेरठ। उधर अलीगढ़ में भी आचार संहिता लागू होते ही होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने जगह जगह से होर्डिंग उतारने शुरू किए। पहले चरण में अलीगढ़ में चुनाव होगा और इसके साथ ही ये आप तस्वीर देखिए, आदर्श आचार संहिता जैसे ही लागू हुई तुरंत प्रशासन सड़क पर उतरा और पूरी मुस्तैदी के साथ इन होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू किया गया। कल तक इस पूरे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आदर्श चुनाव संहिता लगने के बाद भी प्रशासन ने अपना रवैया चालू कर दिया है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं छर्रा नगर पंचायत में। अगर आप मेरे देखे पीछे तस्वीरें देखेंगे तो कि आचार संहिता लग चुकी है और तमाम जो फ्लेक्सी बैनर लगे हुए थे उनको उखाड़ने का काम किया जा रहा है। यानी कि अब से कोई चुनावी प्रतिक्रिया के जितने भी सामान होंगे उसको उखाड़ा जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए अतरौली के तहसीलदार सुभाष यादव जी हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे बात करेंगे। सर आज से आचार चुनाव संहिता लग गई, सर क्या रूपरेखा रहेगी? सर अब ये इसमें आचार संहिता ऐसे लागू हो गई, इसको कड़ाई से पालन कराया जाएगा जैसा माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। इसमें किसी के प्रति कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, तो पूरी कड़ाई से पालन कराया जाएगा और जो भी इलीगल तरीके के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं सब ये हटाए जाएंगे। तो सर जितने भी अतरौली तहसील में कहीं भी पोस्टर लगे हों सारे के सारे आज हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है? हाँ, और ये 24 घंटे में सब हटा करके 24 घंटे में हटाए जाएंगे। देखिए ये थे हमारे साथ में तहसीलदार सुभाष यादव जी, उन्होंने अभी तक साफ तौर से यही बताया है कि अब चुनावी रूपरेखा संबंधित कोई भी फ्लेक्सी अब बाजारों में नहीं नजर आएगी क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव का आगाज हो चुका है। क्योंकि चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में चुनाव की अब प्रक्रिया चालू हुई है, यानी कि अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चुनावी रंगत में रंग चुका है। सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज अलीगढ़। पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की ओर से किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस चुनाव पर्व के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को और बाकी पांच चार राज्यों में जहां भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उन सबको इस चुनाव पर्व में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये चुनाव का महापर्व आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, आपकी जिंदगी की जो जरूरतें हैं, जो मुद्दे हैं उसका समाधान कर सकता है, आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव राजनीति ला सकती है इसका एक सीधा उदाहरण दिल्ली में आपको मिलता है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, अब हमारे ओर से, हमारी पार्टी की ओर से घोषित तारीखों का स्वागत है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने वैसे ही गांव गली दस्तक का कार्यक्रम तय कर दिया है जहां हमारे कार्यकर्ता जो है अधिक से अधिक पांच की संख्या में गांव-गांव, गली-गली, दरवाजे-दरवाजे दस्तक दे करके राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से और हमारे गठबंधन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज उत्तर प्रदेश के बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज जो चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लगाई, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अनुरोध किया था कि बड़ी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों की जान की परवाह की कोई चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जनमानस जिसको भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ सरकार ने प्रताड़ित करने का काम किया, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, वो सभी बदलाव का मन बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रतिज्ञा ली है, महिलाओं के लिए प्रतिज्ञाएं ली है, किसानों के लिए प्रतिज्ञाएं ली है और उत्तर प्रदेश के समूच विकास की बात की है उस पर वोट देने जा रहा है। आचार संहिता लागू होते ही समाजवादी पार्टी
की रोकी गई रैली, पूर्व विधायक के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही थी। दरअसल महापरिवर्तन यात्रा ये थी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। रैली को अवंतीबाई चौराहे पर खत्म कराकर वापस किया गया। विधानसभा अतरौली क्षेत्र का ये अलीगढ़ में पूरा मामला है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आदर्श आचार संहिता क्योंकि लागू हो गई, इसी वजह से जो महापरिवर्तन यात्रा थी उसको रोका गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल थे और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुछ झड़प भी, नोकझोंक भी हुई कार्यकर्ताओं की, लेकिन वहीं पर इस रैली को समाप्त कराकर वापस प्रशासनिक अधिकारियों ने भेज दिया। तो फिलहाल उत्तर